मे बी तुम्हें किस कितना वक्त चाहिए? बात के लिए? इस रिश्ते के हवाले से सोचने के लिए, मेरे हवाले से सोचने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि मुझे वक्त चाहिए? तो तुम्हारे और अपने हवाले से कुछ सोचा मुझे? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सोच पा रहा। ओ, तो तुम किसी की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही हो? हाशिम, अगर कोई और होगा ना तो सबको पता चल जाएगा। समझने की कोशिश करो, मैं हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी रखना चाहती हूँ। मेरे लिए इसको किसी और रिश्ते में कबूल करना मुमकिन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं बाजी चाय। थैंक यू जुलेखा। बाजी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। वो बेबी बाजी की शादी आप हाशिम भाई से ना करें, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्यों? यूं वट्टा सट्टा हो जाएगा ना। देखे ना, हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी शादियां हुई हैं और फिर दोनों तरफ मसले बनते हैं। ऐसे ब्याह अच्छे नहीं होते। कल कला को आसिम भाई और भाभी जी का कोई मसला बन गया तो हाशिम साहब तो हमारी बेबी जी से बदला लेंगे ना। उसी बात का डर लगा रहता है। और यूं भी हाशिम साहब कुछ खास करते कराते तो है नहीं, हमारी बेबी जी को खुश कैसे रखेंगे? अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता है? कुछ करने वाले हमें बेले थोड़ी होते हैं। रोज रोज चक्कर लगाते हैं, बस यही इर्द गिर्द बेबी जी के घूमते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। सुलेखा, वैसे तुम बहुत फजूल बातें करती हो। अब जाओ, जाके किचन का काम खत्म करो और फिर खाना भी बनाना है। जी। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। शुक्र है जो तूने भी चक्कर लगाया है। मैं भी तेरे बारे में ही सोच रही थी, मेरा भी इतने दिन से चक्कर नहीं लगा। हाँ पप्पो, मैंने आगे पढ़ने के लिए दाखला ले लिया है ना, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे इम्तिहान भी होने वाले हैं और मुझे बहुत सा पढ़ना है। अम्मा आपको सलाम कह रही थी और कह रही थी कि मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगी। पप्पो, श्री अब्बा ने कुछ पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ में देकर रहा हूँ ये पैसे। उन्हें कचहरी जाना था जमीनों के कुछ काम के लिए, इसलिए वो कह रहे थे कि मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। पर पुत्र, ये तो एक हफ्ता पहले की बात है। उस वक्त बहुत जरूरी चाहिए थे। तालब की फीस जो जमा करवानी थी, फिर अब तो फीस जमा हो गई है। और माल ये तो आज ही नाराज हो जाएंगे। ले आ, रख लेती हूँ। चलो जमीन के 1000 रोले वो निबड़ जाएंगे। शाम को पाजी आएंगे ना तो उनका शुक्रिया अदा कर लूंगी। फूफो, उनकी फीस कैसे जमा हुई? उसके लिए तो बहुत से पैसे चाहिए होते हैं ना। कहाँ से आए इतने पैसे? तो तालब की एक सहेली है ना, यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही पढ़ती है, उसी ने जमा करवाई है। और तालब को तो उसने बताया भी नहीं, खुद ही जमा करवा दी। आज ही बता रहा था मुझे फोन पे और मुझे कह रहा था कि अम्मा फिक्र ना कर, पैसों की अब कोई लोड़ नहीं। अच्छा, मैं ये पैसे अंदर सांभ आऊं, हाँ? तू ये कबूतरों को दाना डाल मेरी थी। पहले उस लड़की ने तालिब को जैकेट दी, फिर प्रपोज के लिए यहां से तोहफे भेज रही है, और अब तो उस लड़की ने तालिब की फीस भी जमा करा दी है। अगर मैं कुछ कहूं तो अम्मा मुझे कहती है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। आलिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? किस बात का शुक्रिया अदा? वही जो तुमने मेरे ड्यूज पे किए। फॉरगेट अबाउट इट। तुम नहीं जानती आलिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मगर मेरे लिए बड़ी बात नहीं है और ना ही तुम्हें मेरी शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। हेलो,
अच्छा आप वर्कशॉप पे भिजवाते हैं, मैं बाबा को फोन करती हूँ। मेरी गाड़ी नहीं आ रही है, मैं बाबा को फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? रिक्शे पे हो और कैसे? छोड़ो ना, क्या ख्वार होते फिरोगे तुम? मैं चली जाऊंगी, घर टेंशन ना लो। ले, मैं खुद ख्वार ना हूँ और तुम्हें ख्वार होने दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, चलो ना। अरे ये तुम्हारा घर है आलिया? नहीं, पड़ोसियों का घर है। जाहिर है मेरा घर है, अपने घर ही तो लेकर आऊंगी तुम्हें। मेरा मतलब है इतना बड़ा घर तो हमारे पिंड में चौधरी को भी नहीं होता। सब यहाँ खड़े ही रहोगे या चलोगी भी? चलो शैला आ जाओ, देर हो रही है। आ रही हूँ भाई। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेबी ये कौन साहब है? भाई ये तालिब है, मेरा क्लास फेलो। तालिब ये मेरे भाई और भाभी। अच्छा तो ये वो पेंडू है जिसका जिक्र बहुत सुना था, आज देख भी लिया। भाभी कोई बात नहीं, पेंडू ना पेंड से निकला है और पेंड गांव को कहते हैं, तो गांव में रहने वालों को पेंडू ही कहेंगे ना। मुझे बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे पेंडू कहा है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, मेरे घर वाले वहीं रहते हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, स्कॉलरशिप पे मुझे एडमिशन मिला। हाय आपको पता है तालिब तो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होल्डर है, ही इज अ जीनियस विद इन हिमसेल्फ। वाह। जाहिर है जब सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन नहीं ले सकेगा तो स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेने के लिए जीनियस और सेल्फ मेड तो होना पड़ता है। एनीवेज वी आर गेटिंग लेट। बेबी तुम अपने फ्रेंड को कंपनी दो, नाइस टू मीट यू। था चलो पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस गैर लड़के को घर लेके आ गए। वाह भाई वाह। शरीफ गाड़ी निकालो। देखा था उस लड़के को, बात तक करने की तो तमीज नहीं थी उसे। यानी क्या हो गया बेबी को? इंसान एटलीस्ट अपना स्टैंडर्ड देखता है, अपना कैलिबर देखता है। आप कुछ मत बोलिएगा, कम से कम भाई होने के नाते ये तो पूछ सकते थे ना कि वो क्यों आया है। अरे बाबा मैं खुद हैरान हूँ कि बेबी उसको अपना दोस्त कैसे बना सकती है। दुआ कीजिएगा कि बात सिर्फ दोस्ती तक रहे, आगे ना बढ़े, जिसके आसार मुझे कम ही नजर आते। मैं अब्बा से बात करूंगा, अब्बा ही उसे बेहतर समझा सकते। हाँ आपने कर ली बात और अब्बा ने मान ली फौरन। नमाज पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर, आइए। मैं तो जी जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मा की वजह से। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी अम्मा को खुश देखना। मेरी अम्मा ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा लेकिन कभी मेरी पढ़ाई में हर्ज नहीं आने दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी अम्मा के बहुत फरमाबरदार बेटे हो, बहुत प्यार करते हो अपनी अम्मा से। जी माँ जी, लेकिन उससे कम जितना अम्मा मुझसे करती है। मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा ये लो ना कटलेट्स लो। वैसे लिया बहुत बुरी बात है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अरे अम्मा मैं तो फोन करने वाली थी मगर इन साहब ने कहा कि नहीं थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। जो भी था तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। अगर मुझे पता होता कि तालिब आ रहा है तो मैं खास एहतमाम करवाती, अब जल्दी में तो सिर्फ यही कुछ बना सके। नहीं माँ जी, पहले ही आपने इतना तकल्लुफ किया है,
इतनी सारी चीजें मैं अकेला कैसे खाऊंगा? अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि अम्मा कितनी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलती है। ये सब तो शॉर्ट नोटिस पे तैयार किया है। अगर तुम 2 घंटे दे देते ना अम्मा को तो वो तुम्हें 7 कोर्स मील कराती। बेबी अब उसे कुछ खाने भी दो या बातों में ही लगाए रखोगी? ये लो ना बेटा कटलेट्स लो ना। और ये है मेरे पास। नहीं और लो। चलो शाबाश खा। बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने बड़े तकल्लुफ किया। अरे माँ जी भी और शुक्रिया भी। अरे बेटा शुक्रिया तो हमें करना चाहिए तुम्हारा कि तुम बेबी को ड्रॉप करने आए। लो शेख साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अब्बा। हीरो बेटा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तालिब है, बेबी का क्लास फेलो। अच्छा अच्छा। आज असल में मुनीर जा नहीं सका बेबी को पिक करने के लिए, गाड़ी खराब हो गई थी, तो तालिब इसे ड्रॉप करने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाहर क्यों खड़ा कर रखा है इसको? अंदर चलो ना, अंदर बैठो। नहीं नहीं अंकल, अब मैं चलता हूँ, बड़ी देर से आया हूँ। अरे नहीं ऐसे कैसे जाओगे? अरे बेटा बेबी इन्हें कुछ खिलाया पिलाया या ऐसे ही भेज रही हो? रोटी मैंने खा ली है बस, अब चलता हूँ, देर हो रही है, कल पेपर की तैयारी भी करनी है। भाई भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बेबी को घर पहुंचाया। हमारी बेबी को अकेले कहीं आने जाने की आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं शर्मिंदा नहीं, आपका हक है। आइए मैं आपको छोड़ कर आऊंगा। नहीं अंकल मैं रिक्शे पे चला जाऊंगा। अरे तकल्लुफ मत करें, आइए आइए, चलो शाबाश आओ आओ आओ। अच्छा बच्चा है। बेटा क्या बात है, आज तुमने खाना ठीक से नहीं खाया। अब्बा मेरा दिल नहीं चाह रहा था। साहब चाय लाऊं या ग्रीन टी? मेरे ख्याल से सबके लिए ग्रीन टी ले आओ। जूली मेरी चाय मेरे कमरे में ले आना। अब्बा अगर इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कल पेपर है। अब्बा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। बेबी आज एक लड़के को घर लेकर आई थी। यूं ही नहीं आ गया था, बेबी के साथ आया था उसे ड्रॉप करने के लिए। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बस कर दो आसिफ, एक लड़का बाहिफाजत हमारी बेबी को घर छोड़ने आया है और तुम उसी पे बातें बना रहे? अभी तो मैं बातें बना रहा हूं, जब दुनिया बातें बनाएगी तो आपको बुरा लगेगा। शर्म करो आसिफ, ऐसा क्या देखा है तुमने उस लड़के में कि तुम अपनी बहन के साथ उस पे भी कीचड़ उछाल रहे हो? मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, जो गलत है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि यूं इस तरह किसी भी लड़के का हमारे घर चले आना बेबी और हमारी इज्जत पर सवालिया निशान छोड़ रहा है? हमें अपनी बेबी पर पूरा एतबार है, वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके बाप और भाइयों का सर शर्म से झुक जाए। अब कल को तुम्हारी बेटी किसी अपने क्लास फेलो को अपने घर अपने साथ ले आए तो क्या तुम उस पर भी ऐसे ही एतराज करोगे या फिर खड़े खड़े उसको घर से निकाल दोगे? अपनी बहन पर इस तरह से कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब्बा कल कलां को अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इस बात को मजीद मत बढ़ाओ तो बेहतर है। तुम्हारे घर वाले बड़े अच्छे हैं, इसलिए तुम अच्छी हो। अच्छा तो मैं इसलिए अच्छी हूँ क्योंकि मेरे घर वाले अच्छे हैं, है ना? नहीं, वो तुम्हारे घर वाले इसलिए अच्छे हैं। वैसे आलिया तुम्हारा घर तो बड़ा आलीशान है, ऐसे घर तो तुम्हारे यहाँ चौधरियों के भी नहीं होते।
है ना? हाँ, नहीं होते। तुम भी ना हर जगह चौधरियों को ले आया करो बस। क्या करूं, चौधरियों का खून दूं? अम्मा अब्बा को तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पर शायद तुम्हारे भाई और भाभी को नहीं लगा। अरे नहीं, वो जल्दी में थे इसलिए ठीक से बात नहीं हो सकी, वरना आसिम भाई बहुत अच्छे हैं। यकीनन अच्छे होंगे, आखिर तुम्हारे भाई जो है। मुझे बेबी ने साफ इनकार कर दिया है, उस रिश्ते के हवाले से सोचना भी नहीं चाहती, और आप कहती है कि वो वक्त मांग रही है सोचने के लिए। जितनी आजादी उसे दे रहे हैं ना, उसका नतीजा जरूर भुगतेंगे। ये खुदसरी की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई। क्यों, क्या हुआ? होना क्या, कल उस नमूने को उठा के घर ले आई। किसे? वो तालिब को। और किसको? बहाना ये बनाया कि ड्राइवर नहीं आया, गाड़ी खराब हो गई, ये वो बेबी को घर लेके आया उसका बॉडीगार्ड बन। तो जब आसिम ने एतराज किया तो अंकल ने उल्टा उसी को जलील किया। मेरा तो खून खौल रहा है सोच सोच। उनकी बेटी अगर स्याह भी करे तो उन्हें सफेद नजर आता है। अंकल मिले थे क्या उसे? ना सिर्फ मिले बल्कि अपने साथ बिठा के प्यार से खाना खिलाया। अजीब लाड है, बेटी को समझाने के बजाय मेहमान की खातिर मदारत करते हैं, वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। हो तो नौबत यहां तक पहुंच गई। तो ये है वो शख्स जिसकी वजह से तुम हाशिम हुसैन को इनकार करे। मैं तो पहले दिन से ही चिपक गया था, पर तुम थी कि मुसलसल इनकार कर रही थी। आप मुझे रकम दोगी या मैं महवेश को बगैर हक मेहर के तलाक? अहमद देखो मेरी मानो तो तालिब से थोड़ा फासला रखो, वरना लोगों की जबान कोई बंद नहीं कर सकता। क्या मतलब? आलिया, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगा। ज़िंदगी तुझे क्या कहूं, पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। ज़िंदगी तुझे क्या कहूं,